गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आरएससी का पहला लेक्चर आपके लेने आया हूँ। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पीडीएफ बनाकर मोस्ट भी दिए थे। मैंने उनको एक्सप्लेन नहीं किया था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता क्या और कैसे काम करता है। सबसे पहले ये समझिए कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो था वो बनाया किसने था और कब बना था। ये आपका 1860 में एक फ्रेंच के एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक कैरी, उन्होंने इसको डेवलप किया था, इसको बनाया था, जो उसमें उन्होंने रेफ्रिजरेंट के रूप में अमोनिया का यूज़ किया था। अमोनिया का यूज़ आज भी होता है। जैसे वेपर कंप्रेशन साइकिल होती है, वेपर कंप्रेशन साइकिल की तरह ही ये भी एक साइकिल होती है, ये भी एक प्रोसेस होती है। बस यहाँ पर अंतर क्या होता है कि यहाँ पर अंतर ये होता है कि जो आपका कंप्रेसर लगा होता है वेपर कंप्रेशन साइकिल में, वो यहाँ नहीं होता, उसके जगह यहाँ पे हम जनरेटर का यूज़ करते हैं। इसकी मैं फिगर के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमारा यहाँ पे ऑपरेटर लगा होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे एक एक्सटेंशन वॉल्व लगी होती है, इसके जस्ट ऊपर हमारा एक रिसीवर लगा होता है। इसके बाद यहाँ पे एक कंडेंसर लगा होता है, यहां जनरेटर होता है, जनरेटर के इस साइड पंप लगी होती है, इस साइड एक आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल लगा होता है, और यहां पे आपका एक एब्जॉर्बर लगा होता है। तो ये आपका कंडेंसर से जुड़ा होता है, कंडेंसर जुड़ा होता है जनरेटर से, और जनरेटर जुड़ा होता है पंप से, और ये आपका रिड्यूसिंग वॉल्व हो गया, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व, ठीक है। इसके बाद ये आपका कनेक्ट होता है एब्जॉर्बर, ठीक है, ये आपका एब्जॉर्बर से कनेक्ट होता है, ठीक है जी, और ये वापस कनेक्ट होता है किससे, एवोपरेटर। ये आपकी कूलिंग कॉइल होती है, ये वाटर कूलिंग कॉइल होती है, ठीक है, ये आपका वाटर कूलिंग। अब ये बन कंप्लीट होने पर तैयार है। इसकी प्रोसेस जो होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले एवोपरेटर क्या करता है, एवोपरेटर ये करता है कि आपका जहां पे आपको कूलिंग इफेक्ट पैदा करना है, जहां पे आपको कूलिंग करनी है, उस एरिया में जो भी आपने सब्सटेंस रखा है उसके माध्यम से जो हीट है उसकी वो एब्जॉर्ब करेगा, उसकी हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब हीट एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, हीट एब्जॉर्ब करने का काम करेगा आपका अमोनिया। अमोनिया एक रेफ्रिजरेंट का यूज होता है, और अमोनिया क्या करेगा, जो आसपास की सराउंडिंग जो भी हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, खुद को वो कन्वर्ट कर देगा वेपर में, क्योंकि लिक्विड में अमोनिया होता है, जैसे ही वो हीट लेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, मगर उसका जो प्रेशर होगा और टेम्परेचर होगा वो लो होगा। तो यहाँ से आपका लो प्रेशर लो टेम्परेचर अमोनिया एब्जॉर्बर में जाएगा, यहाँ आपका वाटर भी होता है, और वाटर में जाकर अमोनिया क्या करता है, वो मिक्स हो जाता है, अमोनिया वाटर में जाकर मिक्स हो गया। मिक्स होने की वजह से क्या होता है कि वो पानी अमोनिया को एब्जॉर्ब करता रहता है, जितना ज्यादा ठंडा पानी होगा उतनी ही ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी अमोनिया को एब्जॉर्ब करने की, और जितना गर्म पानी होगा उतने ही कम अमोनिया को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ऑब्वियसली कि जब आपका यहाँ से अमोनिया जाएगी तो उसकी वजह से पानी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, तो उसको कूल करने के लिए हम यहाँ पे कूलिंग कॉइल लगा देते हैं जो उस पानी को ठंडा करती है।
उस पानी को ठंडा करने का वजह ही क्या है, सिर्फ वजह ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया को एब्जॉर्ब कर सके। तो यहां से आपका हाई स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन, यहां पे से आपका हाई स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन पंप के जरिए कहां जाता है, जनरेट कर जाता है। ये आपकी हीटिंग पॉइंट है, जनरेट कर जाता है। पंप क्या करता है, पंप उसका प्रेशर बढ़ा देता है, किसका, जो यहां से आपका सॉल्यूशन आया था उसका उसका प्रेशर बढ़ा दिया, और इसके बाद जनरेटर क्या करता है, जनरेटर से गर्म करता है। अब गर्म आप स्टीम के जरिए भी कर सकते हैं या किसी हीटिंग कॉइल के जरिए भी कर सकते हैं। जैसे ही आप उसे गर्म करेंगे तो गर्म करने की वजह से क्या होगा कि अमोनिया पानी से अलग होना शुरू कर देगा, और अमोनिया जब पानी से अलग होगा तो वो हाई अमोनिया, हाई प्रेशराइज अमोनिया, हाई प्रेशराइज अमोनिया तो इधर आ जाएगी, और जो पानी होगा वो वापस यहां आ जाएगा, लेकिन प्रेशर इसका भी हाई होगा, प्रेशर इसका भी हाई होगा। अब होगा क्या, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्योर पानी आएगा, इसमें कुछ परसेंटेज अमोनिया की भी होगी, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वीक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीक सॉल्यूशन। यहां पे मेरा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन था, यहां पे वीक सॉल्यूशन हो गया। वीक सॉल्यूशन क्यों हो गया, क्योंकि इसमें अमोनिया की मात्रा बहुत कम होगी, पानी तो होगा लेकिन अमोनिया की मात्रा बहुत कम होगी, इसलिए वीक सॉल्यूशन हो गया। प्रेशर रिड्यूस करेगा, इसका प्रेशर कम करेगा, और जैसे प्रेशर कम हो जाएगा वो वापस एब्जॉर्ब में चला जाएगा, जहां पे ये दोबारा अमोनिया को एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद यहाँ पे हाई प्रेशर अमोनिया जो है वो कंडेंसर हो जाएगी, जहां ये अपनी हीट को रिलीज करेगी, क्योंकि यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी हाई होगा, टेम्परेचर भी हाई होगा, क्योंकि जनरेटर के अंदर हमने इसे हीट दी है, प्रेशर पंप ने हाई कर दिया, टेम्परेचर जनरेटर ने हाई कर दिया, तो यहाँ पे जो मिला मुझे वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर अमोनिया मिला। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, उसका टेम्परेचर रिलीज कर देंगे, हीट बाहर छोड़ देंगे, तो बचा हुआ पानी जो आपका अमोनिया था वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वो आपका हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर अमोनिया मिलेगी, और वो रिसीवर में आके एक कलेक्ट हो जाएगी। रिसीवर क्या होता है, रिसीवर एक वेसल होता है, खाली पात्र होता है, बर्तन होता है खाली, एक सिलेंडर होता है खाली। उसका काम क्या है, उसका काम सिर्फ इतना सा काम है कि जो ये अमोनिया चल रही है इसके अंदर सिस्टम के अंदर, उसके फ्लो को मेंटेन रखता है, उसके फ्लो को मेंटेन रखता है कि इसका फ्लो टूटे ना। तो इसका काम सिर्फ इतना सा है कि ये जो फ्लो चल रहा है अमोनिया का वो यहाँ पे स्टोर होता है, और आगे जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग आगे भेज रहता है, फ्लो को टूटने नहीं देता। इसके बाद ये अमोनिया यहाँ से एक्सटेंशन वॉल्व में आएगी, जहाँ इसका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, और इसके बाद वापस ओवरफ्लो में आएगी, और इस तरह ये फुल साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपकी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम साइकिल काम करती है। इसमें और भी तरह के टाइप्स हैं, लिथियम ब्रोमाइड है या और भी दूसरे तरह के टाइप्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ आपका ये मैंने बेसिक साइकिल जो थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, एवोपरेटर, अब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर, प्रेशर रिड्यूस वॉल्व, कंडेंसर, रिसीवर और एक्सपेंशन वॉल्व। ये सारे इसके क्या है, इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स लगे होते हैं इसके अंदर, वो सारे पार्ट्स हैं। बाकी इसके बारे में आगे की चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।